जय दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंस ज्ञान यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में जानेंगे पिछले एक सप्ताह में कश्मीर में जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं और जो सिख हैं, 7 लोगों की हत्या कर दी गई है जो आतंकवादी हैं उनके द्वारा। तो आज हम जानेंगे कि किस तरीके से उन लोगों को बचाया जा सकता है, किस तरीके से अगर हम उनको हथियार प्रोवाइड कर दे सरकार, जो हथियारों के लाइसेंस प्रोवाइड कर दे, तो अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। इसके बारे में ही आज हम जानने वाले हैं। क्या है पूरा वाक्य वो भी हम जानेंगे। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखें। पिछले एक सप्ताह में 7 जो अल्पसंख्यक हिंदू और सिखों को मार दिया गया है कश्मीर में, तो क्या वो कारण है, क्या वो तरीका अपनाया जा सकता है जिससे ऐसे लोगों की हम जान बचा सकते हैं। तो पहला तो ये है, जो गवर्नमेंट है अगर वो प्रोहिबिटेड बोर के लाइसेंस प्रोवाइड कर दे जो भी अल्पसंख्यक लोग हैं वहां पे, तो उनको बहुत ज्यादा सहूलियत होगी। जैसे प्रोहिबिटेड बोर में 9mm पिस्टल आती है, ग्लॉक पिस्टल्स हैं, बरेटा पिस्टल्स हैं, अगर वो प्रोवाइड कर दी जाए विद लाइसेंस जो भी वहां पे अल्पसंख्यक लोग हैं, तो वो अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं आतंकवादियों के खिलाफ। जब भी उन पे हमला होगा तो वो भी रिटर्न करके या पलट के हमला करेंगे आतंकवादियों पे, और उनको डर का माहौल जो है, डर का एक आभास कराएंगे जो भी आतंकवादी हैं, क्योंकि आतंकवादियों को भी लगेगा भाई इनके पास भी हथियार हैं, तो उनको भी जो है हमले का सामना करना पड़ेगा, जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। तो ये एक सबसे अच्छा तरीका रहेगा अगर गवर्नमेंट जो है वहां के अल्पसंख्यक हिंदू और सिख हैं उनको जो है घातक हथियार प्रोवाइड कर दे, जैसे कि 9mm पिस्टल जो कि प्रोहिबिटेड बोर में आती है, कई अन्य प्रकार की सब मशीन गन है जैसे कि MP5 जो काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट होती हैं, छोटी होती हैं, जो आसानी से यूज भी की जा सकती हैं, और सरकार जो है बाकायदा जो है एक प्रशिक्षण दे जो भी वहां के अल्पसंख्यक हिंदू हैं या सिख हैं उनको हथियार चलाने का जो है प्रैक्टिस भी करवानी चाहिए और प्रशिक्षण जो है वो भी देना चाहिए, ताकि जो वहां का जो अल्पसंख्यक है वो उसको लगे यार कि हम पे हमला किया जा रहा है, तो हम भी जो है अपना सेल्फ डिफेंस करेंगे और लड़ेंगे अपनी आखिरी सांस तक। ये तो काम जरूर करना चाहिए सरकार को, क्योंकि 1990 के बाद से लगातार उनको टारगेट किया जा रहा है, लगातार उनको मारा जा रहा है और वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। और अब भी जो हमले पिछले एक सप्ताह में स्टार्ट किए गए हैं कश्मीर के जो आतंकवादी हैं द रेसिस्टेंट फ्रंट द्वारा, तो फिर से जो लोग हैं हिंदू जो हैं वहां से वो छोड़ छोड़ के जम्मू आ रहे हैं, तो ये कब तक होगा ऐसा, ये सरकार को सोचना चाहिए। क्योंकि सरकार जो है हर जगह सुरक्षा बल जो है तैनात नहीं कर सकती है, पुलिस हो, अर्धसैनिक बल हो, सेना के जवान हो, आप हर व्यक्ति के पास तो नहीं छोड़ सकते हैं, या फिर उनकी सिक्योरिटी के लिए आप जो है हर जगह जो है सेना है या जो भी पुलिस फोर्स है उसको तैनात नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप उनको अच्छे हथियारों के साथ उनको इक्विप कर सकते हैं ताकि वो अपना सेल्फ डिफेंस कर सकें। आप उनको हथियार दीजिए, हथियार चलाने की ट्रेनिंग दीजिए, ये सारी चीज़ें करते हैं तो कम से कम अपना जो है कुछ परसेंट तो बचाव कर पाएंगे और आतंकवादियों को भी वो मार गिराएंगे। कई देशों ने इस तरीके का प्रयोग किया है और वो सफल भी रहा है। भारत को भी ऐसा करना चाहिए ताकि जो हमारे देश के जो कश्मीर में जो हमारे अल्पसंख्यक हिंदू हैं, सिख हैं, उनकी जान जो है बचाई जा। वैसे हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी और जो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने मुलाकात की है और बहुत ही जल्दी जो है एक बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करने वाले हैं कश्मीर में, जिसमें जो भी आतंकवादी जिम्मेदार हैं, जो भी आतंकवादी ऐसी साजिश में शामिल हैं, उनको मार गिराया जाएगा। जो हमारे देश के सुरक्षा बल हैं उनको नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जिन्होंने भी ऐसा कृत्य किया है उनको बहुत ही बहुत जो है कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और उनको नहीं छोड़ा जाएगा। जो भी निर्दोष लोगों ने अपनी जो जान गंवाई इस तरीके के घटनाओं में, हमलों में, हम उनके लिए किस आत्मा की शांति के लिए दुआ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनको जल्द ही न्याय मिलेगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय।